क्वेश्चन नंबर 36 है, अल्फाबेट सीरीज आपको गिवन है, चार टर्म्स गिवन है, पांच में निकालनी है, ए बी सी डी। ये तो बड़ी आसान है। पहला पहला देखो, ए बी सी डी, यहाँ आ जाएगा ई। तो ई से स्टार्ट होएगा आपका आंसर, तो ये तो गए बाहर। जेड यू एक्स डब्ल्यू, फिर है वाई टी वी, वाई टी वी। ठीक है, इसको देखते हैं हम कैसे बनाए। ओके, आपका जेड कितने पे है? 26 पे। यू कितने पे है? 21 पे। एक्स कितने पे है? 24 पे। और आपका डब्ल्यू कितने पे है? 23 पे। देखते हैं इसमें क्या है। ये लगा रूल देखो, 26 से 24 हो गया, कितने गए? माइनस 2। ठीक है, फिर 21 से कितना हो गया? 23 प्लस 2, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 24 में दोगे तो 22, और 22 पे कौन है? वी। तो क्या आ जाएगा? ई वी। समझे नहीं? पहला तीसरा पांचवा एक रूल चल रही है पहले तीसरे और पांचवें में, दूसरा चौथा छठवां जो इससे अगला आएगा उसमें प्लस 2 हो जाएंगे, 23 और 2 25, तो पूछा नहीं गया 25 पे कौन है? वाई। तो यहाँ पे अगले में वाई होना चाहिए था, यहाँ पे ए बी सी डी ई के बाद एफ आया था, फिर आया था वाई। आपका जेड है 26 पे, यू कितने पे? देखो, यू है 21 पे, फिर एक्स है, एक्स कितने पे? 24 पे, फिर है डब्ल्यू, डब्ल्यू कितने? 20। ये थे 26 में से 2 हो जाएंगे 24, और 21 में से 2 हो जाएंगे 23। मुझे यहीं से पता लग गया था, यहाँ से 2 कम हुए, यहाँ से 2 कम हुए। तो पहले और तीसरे में एक रूल लग रहा है, तो फिर जो पाँचवा आएगा उसमें वही रूल लगेगा ना। यहाँ से गया यहाँ पे, और इसके बाद जो यहाँ पे आएगा उसमें भी क्या है? माइनस होएंगे 2, यहाँ पे आएगा 22, और 22 कौन है आपका? वी। तो इसलिए यहाँ पे वी आया। ठीक है, अब तीसरा तीसरा उठा लेते हैं, वाई टी डब्ल्यू वी। क्या है? वाई टी डब्ल्यू वी। वाई कितने पे है? 25 पे है। टी 20 पे है। डब्ल्यू हमारा 23 पे है, और वी वी आपका 22 पे है। ठीक है, 22 और 23 आप बड़े इजीली याद कर सकते हो। वी में दो लाइंस हैं देखो ऐसे, ये तो इसको 22 याद करके 22 याद कर सकते हो, 24 सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ होगी, नहीं वी आपका, हाँ बिल्कुल ठीक है। और डब्ल्यू में 3 है, इसको आप 23 की तरह याद कर सकते हो, 3 23। इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ पे भी लग गया मुझे पता, 25 से 23 बना है मीन्स 2 कम हुए हैं, यहाँ 20 से 22 बने हैं मतलब 2 ऐड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर 23 से फिर क्या हो जाएंगे? 2 कम हो जाएंगे 21, और 21 पे है कौन? है यू। यहाँ क्या आ जाएगा? यू, ई वी यू, ई वी यू आपका बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो आंसर भी इसका क्या है? बी ऑप्शन ही है। ठीक है, ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ई वी यू। समझ लग गया होगा आपको, पहला तो सब में आसान था, ए बी सी डी ई, फिर दो दो एक को छोड़ के इन्होंने ट्रिक लगाई है।